एक काम कीजिए, आप लोग इधर आइए। पहली बात तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और किस तरह की फिल्म आप बना रहे हैं वो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम श्यामल के मिश्रा है और मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ। ये जो करीना मूवी है ये अलग जोनर की मूवी है, ये कॉस्ट्यूम ड्रामा है और काफ़ी दिन बाद ये कॉस्ट्यूम ड्रामा देखने को मिलता है। किस तरह की कहानी है कुछ ये डिफरेंट कहानी है। ये असल में दो कबीलों की कहानी है जो निगेटिव भी पॉजिटिव हावी होता है फिल्म के क्लाइमेक्स में। कौन कौन हीरो है और बताया जा रहा है कि कोई नया कलाकार आया है इस फिल्म में, क्या कारण थे नया कलाकार को लेना? इस फिल्म की जो कहानी थी वो नए कलाकार को ही शूट कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने एक नया किरदार को लिया है, नए लड़के को लिया है जिसको लॉन्च किया हम लोगों ने, जिसका नाम पार्थ सिंह चौहान है, वेरी टैलेंटेड, और उसकी पहली मूवी होगी लेकिन लगता नहीं है कि उसकी पहली मूवी है। टैलेंट से भरपूर है, कोशिश किया है और काफ़ी मेहनत से भी, मतलब मेहनत हमें करना पड़ा है। तो स्टार कास्ट की बात करें, जब एक न्यू लोगों को लेते हैं तो कितना कठिन रहता है उन लोगों को इस फिल्म में? बहुत 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 कठिन रहता है और ख़ास तौर में इसमें कठिन इसलिए था कि इसकी पहली लॉन्चिंग मूवी थी, ये पहली मूवी थी, इसमें इसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, तो काफ़ी मुझे तो काफ़ी दिक्कत हुई लेकिन फिर भी मैंने संभाला और उसने भी कोशिश किया 100% देने का, बाकी वो तो फिल्म बताएगी कि क्या किया। किस बेस पर आपकी कहानी है? हमारी कहानी आदिवासी है, जंगल की, आदिवासी लोगों पे जो जुल्म ढाता है, जंगल के कबीले का एक सरदार होता है और उसी कबीले का जो आदिवासी लोगों में से एक बच्चा होता है जो इसको खात्मा करता है। तो ऐसी कोई जगह पे आप गए हुए थे जहाँ से आपने स्टोरी को उठाया? ये इमेजिनेशन स्टोरी कहानी है, ये एक इमेजिनेशन स्टोरी बोल सकते हैं इसको, एक कहानी बोल सकते हैं जिसको हमने पैदा किया। हमने सोचा कि डिफरेंट कहानी हो, थोड़ा सा अलग हटके, आजकल में कॉस्ट्यूम ड्रामा काफ़ी दिन हो गया लोगों को देख के, और थोड़ी अलग जोनर की कहानी। कितनी तैयारी की इस कहानी के लिए? इस कहानी के लिए काफ़ी समय लगा और काफ़ी मशक्क़त के बाद से कहानी तैयार हुई। हमारे राइटर भूषण सिंह हैं और हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है हरविंद सिंह चौहान, उन्होंने कोशिश की कि फर्स्ट मूवी बनाने के लिए, एक होता है ना कि पहली बार किसी प्रोड्यूसर को कैसे हम ले के आते हैं और वो कैसे इस कहानी को बनाना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने साथ दिया और कहानी अच्छे से बनी। कहाँ का शूट हुए इस फिल्म की? ये पूरी हम लोगों ने पनवेल में शूट किया है और पनवेल के पूरे जंगल को शूट किया हम लोगों ने। पनवेल में तरह तरह के अलग अलग सेट लगाए हैं, पता नहीं चलेगा आपको कि पनवेल एक ही जगह पे पूरी मूवी कंप्लीट हुई है। कितना चैलेंज था आपके लिए एज ए डायरेक्टर? सर ये मेरी डेब्यू नहीं थी, इसके पहले भी मैंने डायरेक्ट किया था। और कहानी, सर कहानी की अगर बात करें, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है, अलग जोनर की फिल्म है, दरअसल मेरे लिए काफ़ी कठिन नहीं था क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरा ही सब रहा है, तो स्क्रीन प्ले से लेके काफ़ी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इसीलिए मेरे लिए काफ़ी कठिन था। कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से? 100% क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि एक अलग जोनर की मूवी है जो अलग हटके आ रही है और आप लोग इसे देखें। ट्रेलर कब तक लॉन्च हो जाएगा? ये मुझे लगता है कि अगस्त के बाद से ही ट्रेलर। कहाँ से कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में पार्थ अपने बारे में जरा बताएं। जी पार्थ। माय नेम इज पार्थ सिंह चौहान, आई स्टडी इन गोल्डकोस्ट इंटरनेशनल स्कूल एंड आई एम इन 7th ग्रेड। तो कितना मुश्किल रहा जिसके आपको पहली बार मुश्किल पार्थ तो पहले कैसे और थोड़ा आगे आओ आवाज आवाज होते हैं। जी पार्थ, अगर इस फिल्म की बात करें और आपके किरदार की बात करें तो इसमें किस प्रकार का आपका किरदार है और क्या कहना चाहोगे पार्थ इसके पूरे ओवरऑल फिल्म के बारे में? जी ओके, माई नेम इन द मूवी इज करीना। तो करीना इज अ चाइल्ड हु फाइट्स फॉर इनजस्टिस इन द मूवी, हु फाइट्स फॉर द इनजस्टिस। इनजस्टिस क्या इनजस्टिस हुआ था और कहानी कैसा है फिल्म का और आपका किरदार कैसा है और आपने क्या कुछ जस्टिफाई किया है फिल्म के साथ अपने किरदार के साथ? जी बात, द स्टोरी इज प्रीटी नाइस, लाइक आई एम अ चाइल्ड, सो देयर इज अ किंग, देयर आर टू किंग्स, so one king is who is like bad, who punishes people, so one is who is nice, so the I will fight for the people who has been punished for wrong things. Sir, this is the first time you are debuting in Bollywood films. Yeah. Any inspiration you have in Bollywood, you want to become like? I want to be like my favorite actor is Salman Khan. So I want to be like him.
I want to be famous. So what you like him, Salman Khan? Can you tell us about any dialogue? Can you tell us about regarding? I like his personality. Like on how he speaks and his body language. Can you do one dialogue, anything, any recent film, any song you can tell us? So you like any? Yeah, like I loved this film Sultan. It was a blockbuster film. You are just a 7th class student. Why do you think that you should now join as a film actor? Why do you feel? Hey, it was my dream to be an actor. It was my dream to be an actor. So I was a child. I didn't know that I will try to make a movie. So how do you recognize that you want to become an actor? Someone you are telling anyone in your classroom, your class friends, niece, anything, one said to you that you look like a Salman Khan, you're inspiring. You did any acting school, anything? No, I didn't need any acting school. In school, I played roles in some of them, and dance class, I went to dance classes. So in that, there were many choreographies of one I did about Munna Bhai and the Sagar Chindi. Okay. Tell me about your experience with the director, with co-star. How was working with them? But कहाँ से आपने ये आपके जहन में इस तरीके की बात आई कि मुझे एक्टर बनना है या इस तरीके का काम करना, कैसे आपने आपके अंदर वो चीज आई, कैसे आपने घर में इस तरीके का माहौल था, माँ बाप इस तरीके का कभी कोई इस फील्ड से था, बॉलीवुड से, क्या कहना चाहोगे, कहाँ से? Nobody in my family is interested in acting line. So, but I watch lot of television. So I see the acting how this. So I try it at my home. So I just love to do it. तो पर्थ आपको कितना कठिन लगा ये काम? आपको लगता होगा कि ये आसान काम है? Yeah, at first I think that this is pretty easy to do this and this, but in front of camera it was pretty hard to do. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी कठिनाई आई और क्या कहना चाहोगे जो लोग आने वाले लोग हैं, जो नए लोग हैं? आपको तो मौका मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता, बेचारे चप्पल गिर जाते हैं. क्या कहना चाहोगे उन सबको, लिए कितना कठिन है और कितना आसान है? It's not that easy. If we see any television or the acting, like anybody's acting, so if we see that, we say, okay, this is too easy, I can also do it. But in front of camera, it's pretty hard to do that. Yeah, and we need to struggle for it. पर कैसा experience रहा character के साथ आपका? उन्होंने डाटा क्या आपको कभी इस तरीके का डाटा कभी फटकार दिया? Yes, many times. क्यों, क्या गलतियाँ करते थे इसलिए डांटते थे? अच्छा, क्या कुछ experience शेयर करना चाहोगे जो पूरे फिल्म का जो ऐसा कुछ ऐसा हिस्सा हो जो शेयर करना चाहोगे, क्या मुझे ये नहीं आ रहा था, सर ने ऐसे ऐसे किया तो मुझे ये चीज सीखने मिला, क्या कहना चाहोगे? Yeah, like there was a scene to cry. Yeah, to cry. So I can't really cry that much, like, okay, shout and cry, anybody dies and then shout and cry to see his head and cry. It was pretty hard to me. सर आप क्या कहना चाहोगे पर्थ के साथ? बस एक रोने का सीन था और फिर ये रो ही नहीं पा रहा था. कैसे करवाया आपने? फिर मुझे मतलब मुझे लगता है कि 15-16 रिटेक हुए थे और 15-16 बार मुझे माइक पे रोना पड़ा जोर जोर से. मैं रो रहा था पीछे पीछे. 16 टेक थे, उसके बाद से टेक ओके. जैसे कि ये क्लास 7th में है और अभी से एक्टिंग के जुनून है, तो आपको कैसा लगता है इनका करियर कैसा है? नहीं, ब्राइट फ्यूचर है इसका और काफी इसने कोशिश की. जो पहले दिन मुझे देखने को मिला, लास्ट दिन मुझे देखने को नहीं मिला उसे, और काफी इम्प्रूवमेंट मैंने काफी देखा और आगे भी कुछ बहुत अच्छा था. एक सलाह देना चाहे इनके लिए सलाह देना चाहूंगा कि बस आगे बढ़ते रहे और थोड़ा सा काम को और सीरियस ले. बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छा आगे करेगा. कोशिश ने बड़ा अच्छा किया. तो अगली फिल्म में ये है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरी जान है और मेरे साथ है ये. और चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कहना चाहोगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? नाउ बिकम अ सेलिब्रिटी, नाउ यू आर अ स्टार, नाउ फ्यूचर स्टार, नाउ बट नाउ यू, व्हाट योर फ्रेंड्स से यू ऑलरेडी शूट वन फिल्म, हाउ वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस? Okay, the day I went to my school, everybody came, hi Bad, how are you? You have been an actor, you know, talk to us only now, we need to take autographs. So I didn't know, but it was a pretty nice experience.
any television reality show you want to appear? Like for I want to go to Kapil Sharma show for my movie promotion. So my friend said I want to go with you. So I said okay, I'll try. Yeah. Perth cinema or film? दोनों में कितना अंतर है आपको ये इसका इसका जानकारी है? फिल्म किसको कहते हैं, सिनेमा किसको कहते हैं? ओके, सिनेमा कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या कहना चाहिए आज आपकी नई फिल्म का? पहले रोल कैमरा घुमा देती हूं, उधर से पैर करके इधर आके कैमरा से। ऐसा नहीं होता सर। हां चलो सर, क्या कहना चाहिए आज आपके सामने बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, इनकी फिल्म। सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामना हनुमान जयंती की, और आगे बोलिए, बताइए क्या कहना चाहिए। आपने फिल्म, एक नई फिल्म में आपने निवेश किया है, क्या सोचकर आपने निवेश किया? अच्छा इंटरेस्टेड फील्ड है और मैं चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी हिंदी सिनेमा के लिए हम कोशिश करके अच्छे से अच्छे मूवी दे सकें, वो हमारी सोच है। तो जैसे कि आप एक्टर भी नया है, तो क्या सोचा आपने कि नए एक्टर को भी लेना है और कास्टिंग भी नए लोग हैं, तो क्या सोचकर आपने इस फिल्म में उन्हें लिया? एक्टर नया नहीं है, एक्टर तो डायरेक्टर के ऊपर होता है बनाना नया पुराना, और कास्टिंग जो किया परफेक्ट कास्टिंग थी हमारी, क्योंकि हमें बजट को भी देखना था। सर ये पर्थ को लेके इतनी आशाएं अपेक्षाएं क्यों है, इतना भरोसा क्यों है पर्थ पे? जी पर्थ वेरी टैलेंटेड बच्चा है, ये नहीं है कि मेरा बेटा है इसलिए वो है। हमने काफ़ी सारे ऑडिशन बुलाए और करीबन 200 के करीब में बच्चे बुलाए, और उनको बुला करके जब हमने सर्च किया कि सबसे बेस्ट हमारे इस सीन के लिए कौन रहेगा, इस भूमिका के लिए कौन रहेगा, उसमें से पार्थ सबसे बेस्ट निखर के आया, इसीलिए हमारी टीम ने नियुक्त किया कि पार्थ ही सबसे बेस्ट है इसके लिए। पार्थ की सबसे खासियत अगर कोई बात की अगर चर्चा करें आपसे, तो क्या शेयर करना चाहेंगे, जो सबसे खास बात उसमें है वो क्या है पार्थ में? पार्थ की सबसे खास बात है कि अगर उससे कोई भी काम कराना है तो उसे प्यार से आप रिझा करके काम करा सकते हैं, वो कठिन से कठिन काम को आपको करके दे सकता है अच्छे से अगर आप उससे कराएंगे तो। अच्छा जैसे कि पार्थ अब पढ़ाई कर रहा है, तो क्या सोचकर आपने उन्हें कहा कि बॉलीवुड में जाने के लिए, फिल्म करने के लिए? आजकल हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, तो क्या जरूरत है आपको फिल्म स्टार? डॉक्टर इंजीनियर और मैं थोड़ा सा इसी में ऐड करना चाहूंगा कि सर ये सब्जेक्ट इस प्रकार का है कि टेररिस्ट या नक्सलवाद से आधारित ये कहानी है, तो ऐसे बच्चे को डेब्यू करना थोड़ा सा लगता नहीं आपको कि इसके कैरियर से थोड़ा सा ये होगा? जी नहीं, कैरियर से कोई खिलवाड़ नहीं है उसके, उसकी सोच है ये कि मैं एक्टर बनूं, और जब से उसने अपना 3-4 साल का था जब इसे हम पूछते थे, और स्कूल में भी उसके कई बार पूछा गया कि पार्थ आप क्या बनोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इस तरीके से एडमिशन के समय उससे जब सवाल किए गए तो उसका एक ही जवाब हमेशा रहा है कि मुझे एक्टर बनना है। तो बचपन से ही उसमें इस तरीके के बातें आप लोग देखते थे? क्या छोटा था तभी उसकी माँ कहती थी कि नहीं ये बड़ा होकर एक्टर बनेगा या अभिनेता बनेगा या नेता बनेगा, बचपन से ही इस तरीके की कुछ उसमें दिखती थी बातें? नहीं, माता पिताओं की तो सोच रहती है कि बच्चा आईएएस बने, बहुत अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा अधिकारी बने, बट हमें उसकी सोच को पकड़ के चलना है कि वो क्या चाहता है, अपनी जो वो है उसके ऊपर हमें थोपनी नहीं है कि भाई आपको डॉक्टर ही बनना है या आईएएस ही बनना है, उसका क्या सोचना है, वो बेस्ट क्या फील करता है हमें उसका फील्ड सोचना है, इसीलिए हमने उसको ये ट्राई करके। कितनी खुशी होती है जब पर्थ इस तरीके का काम करता है, और हर बाप के लिए बड़ा खुशी का दिन होता है कि जब बेटा बाप से भी 2 कदम आगे निकल जाए। रुपया पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन फेम कमाना आसान काम नहीं। बहुत ज़्यादा प्राउड है, कह नहीं सकते, उनको बयान नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है। बहुत ज़्यादा खुशी है कि पार्थ की वजह से हम भी आज आपके साथ में हैं। पार्थ का डैडी कहा जा रहा है आप? पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और इस फिल्म के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और इस फिल्म में क्या ऐसी खास बात लगी जो आपने प्रोड्यूस करने की सोचा
इस फिल्म के बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम हरविंद सिंह चौहान है और मैं इस मूवी का प्रोड्यूसर हूँ। और दोबारा बताएंगे कि इस फिल्म की बात करें तो कैसे इस फिल्म में आया, फिल्म बनाने की कैसे आपने सोचा, और इस कहानी की चर्चा करें, अगर कहानी की बात करें तो क्या इसमें खास लगी जो आपको इस फिल्म ये फिल्म बनानी पड़ी? जी, एक्चुअली जब मेरे पास में स्क्रिप्ट लेकर के राइटर आए तो स्क्रिप्ट सुनने के बाद में मुझे इतना आनंद आया उस स्क्रिप्ट को सुन करके कि मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस मूवी को ज़रूर बनाऊँगा। बहुत बहुत सुंदर स्क्रिप्ट है जी। और डायरेक्टर की बात करें और बर्थ की बात करें तो इसका कैसे चयन हुआ और क्या सोच के आपने इनको फाइनलाइज किया? क्या ये अपने अपने किरदार में या डायरेक्शन में ये प्रॉपर उतरे, खड़े उतरे? जी, डायरेक्टर जी के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। उन्होंने इतनी जी तोड़ के मेहनत करी है कि शायद ये फर्स्ट मूवी होगी जिसमें इन्होंने इतना ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में काम किया है। और मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि कहीं भी मेरा डायरेक्शन फेल हुआ हो। बहुत सुंदर काम किया है, जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है उनके लिए। फोर्थ की बात करें तो कितना आपको आशाएं अपेक्षाएं हैं उसको, और उसके किरदार को कितना जिया आपने किरदार को? पार्थ वेरी टैलेंटेड बच्चा है, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि कहीं कहीं वो वीक हुआ है। जैसे एक सीन था वो नंगे पैर भागने वाला, कभी वो नंगे पैर ज़मीन पर नहीं चला, तो उस समय थोड़ा सा डायरेक्टर साहब को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और मुझे भी उसे कराने के लिए मेहनत करनी पड़ी। मैं दौड़ा पहले, फिर उसके बाद में पार्थ ने वो सीन दिया। कहानी की बात करें तो थोड़ा सा एक लाइन में आपसे जानना चाहूँगा कि पूरी फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो वो कौन सा पहलू है जिसने आपको टच किया और आपने ये फिल्म बनाने की सोची? जी, कहानी अगर आप बात करेंगे तो सबसे मेन कहानी का मुख्य है कि इसमें जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने माता पिताओं का इस तरीके से आदर नहीं करती जो करना चाहिए। ये पार्थ का एक समाज के लिए संदेश रहेगा इस मूवी से। ये फिल्म कब तक कंप्लीट होगी, कब तक दर्शक देख पाएंगे इस फिल्म को, कब तक सिनेमाघरों? हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि सभी मूवी को रिलीज किया जाए और उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर में आपके सामने होगी। तो सर, चलते चलते आखिरी सवाल, व्यूवर्स जो ये सिनेमा को जब थिएटर पे लगेगी, ये सिनेमा को क्यों देखने आएंगे, क्या ऐसी खास बात है इस फिल्म में? जी, इसमें बहुत सारी खास बातें रहेंगी। जैसे अभी मैंने बताया कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो बुजुर्गों का सम्मान खो चुकी है वो इस मूवी से एक प्रेरणा मिलेगी। और दूसरी है कि एक नेगेटिव पर पॉजिटिव की कैसे विजय होती है, ये सब आपको मूवी मसाला देखने को मिलेगा। चलिए सर, आपके बारे में बताना चाहेंगे और कहानी के बारे में अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे पूरे कहानी को? जी, मेरा नाम भूषण सिंह है और इस कहानी के बारे में जहाँ तक बात करें तो आपको बताएं कि कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल अलग टॉपिक पे बनाई जा रही है फिल्म, क्लीना जिसका नाम है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं फील होगा जो काफ़ी दिनों बाद आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब फिल्म आपके सामने आएगी तो आप खुद देखेंगे कि कुछ अच्छा है, हटके आदिवासी अलग जोनन की कहानी है। काफ़ी दशकों से बॉलीवुड में ऐसी फिल्में नहीं बन रही है और ये अलग जोनर की कहानी है। बाकी अच्छाई बुराई ये सब जो कुछ भी दिखाया जाता है वो तो होता ही है नॉर्मली, बट इस मतलब इतना सही तरीके से इसका स्क्रीन प्ले किया गया है जिसमें हमारे सर का साथ मिला हमें और इतना अच्छा स्क्रिप्ट रेडी किया गया है। जब आप फिल्म देखेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा। तो स्क्रिप्ट लिखते टाइम आपने क्या कुछ स्टडी किया और क्या कुछ आपने देखा और इस चीज़ को लिखा और क्या लगा कि आपको इस सब फिल्मों से? हाँ, इसमें मैं जोड़ूंगा आपको कि क्या कुछ ऐसी बात है जो देश को नहीं पता है और आप बताना चाहते हो इस फिल्म के माध्यम से? जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये पब्लिक कहीं ना कहीं पहले देख चुकी है बट हम उसको दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। जैसे कि आपने कहा कि बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में नहीं बनती है। तो ऐसी क्या नहीं बनी बॉलीवुड में कि आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया?
फिल्में बनती है, मैंने आरोप नहीं लगाया, मगर जहाँ तक देखा जाए तो लोग रिस्क नहीं लेते, कुछ अलग हट के दिखाना नहीं चाहते, बनाना नहीं चाहते हैं। मैंने ये आरोप नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं बनाता, कहा कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप ये रिस्क ले रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से तैयार, अगर कहीं से कोई चीज बात होती है तो आप इसके लिए तैयार है पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, और इसमें मैं थैंक यू बोलूँगा सर का, हमारे प्रोड्यूसर साहब का, जिन्होंने हमारे नए होने के बावजूद कहानी को देखते हुए इतना बड़ा रिस्क उन्होंने उठाया। आगे की क्या रणनीति, आगे कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? अरे कुछ भी पूछते, कौन सा नया रणनीति है वो? अभी नहीं, थैंक यू सो मच।